क्या है आपकी महीने की? YouTube इनकम तो पहले तो मैं बता दूं, जाके लाइफ में क्या करना चाहते हो? लाइफ में आगे जाके सक्सेस करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। और आप कमिटेड हो कि नहीं? नन साल से जिम कर रहे हो आप, सो ये तो। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सब बढ़िया ही होंगे। सो अभी हम लोग आ गए न्यू ट्यूब वीडियो के साथ। सो कल तो आपने इंस्टाग्राम पे, अगर आप पहले तो मैं बता दूं, अगर आप मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते होगे मुझको, तो मैं आईडी बता दे रहा हूं, मिर्ज़ा आसिफ 05, आप उस पर फॉलो कर सकते हो। तो कल मैंने एक स्टोरी डाली थी आस्क मी या क्वेश्चन करके। सो उसमें आपने बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछा, मतलब कुछ लाइफ स्टाइल से रिलेटेड पर्सनल क्वेश्चन, हॉबीज, इनकम, फलां ढमाका, बहुत से मेरे को क्वेश्चन आए। मतलब अप्रॉक्स जो है नियर वाई, मैं बता दूं 5 to 6,000 प्लस मेरे को क्वेश्चन उधर से आए। तो अब सबको रिप्लाई करना तो पॉसिबल नहीं कि सबको आप रिप्लाई कर पाओ, तो मैंने सोचा कि स्टोरी के ना थ्रू मैंने एक व्लॉग शूट करके मैं सारे क्वेश्चन का रिप्लाई कर, सारे नहीं, जो रेयर केसेस में सारा सिमिलर ही जा रहा है सबका क्वेश्चन, तो जो पिकअप करता, मतलब जो क्वेश्चन मेरे को लगता है ये चाहिए, ये क्वेश्चन मेरे को बताना चाहिए, सो मैं वो क्वेश्चन अभी हसनैन के व्हाट्सएप पे सारा सेंड कर दिया मैंने। और आपसे हसनैन जो है मुझसे क्वेश्चन आस्क करेगा, मैं उसका सारा रिप्लाई करूंगा, मतलब हसनैन मुझसे क्वेश्चन पूछेगा और मैं उसका सारे क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा। जो क्वेश्चन है वो आपके ही थ्रू सारा पूछा गया है। सो अब बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हां जी गाइस, अपनी वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन क्या है अपना? आपका डेली रूटीन? सो डेली रूटीन तो अभी तो अपना रमजान चल रहा है, तो रमजान में आपको डेली रूटीन में आपको बता दूं, पहला सहरी के लिए उठना, और टाइमिंग जो होती है वो 3 बजे तक अप्रॉक्स मैं उठता हूँ। फिर 3 बजे को उठने के बाद सहरी वगैरह करते, फिर इसके बाद नमाज पढ़ते, फिर नमाज पढ़ने के बाद फिर इसके बाद सो जाते, फिर सोने पे लगभग अप्रॉक्स उठते 9-9:30 बजे तक, फिर इसके बाद फ्रेश वगैरह होना, फ्रेश होने के बाद फिर शोरूम के लिए निकल जाना, फिर शोरूम के लिए निकल जाना, फिर अप्रॉक्स फिर घर पे आना लगभग 5 से 5:30 बजे तक, फिर इसके बाद 6-6:30 बजे तक अफ्तारी का अजान, मतलब अजान अफ्तारी का टाइम हो जाता, फिर अजान वगैरह होती है मगरिब की, इसके बाद अफ्तारी वगैरह करने के बाद कुछ देर रेस्ट करना घर पे ही, फिर करके अगर कहीं बाहर वगैरह जाना है दोस्त फ्रेंड वगैरह के साथ तो थोड़ी देर के लिए निकलते, फिर इसके बाद 8 बजे तक घर आओ, फिर इसके बाद निकल जाओ नमाज पढ़ने के लिए, फिर नमाज पढ़ के आओ 9:30 बज गए, फिर इसके बाद घर आके फिर या तो वीडियो अगर एडिट करना तो वीडियो अगर एडिट करते, नहीं कुछ अगर पढ़ाई से रिलेटेड काम है तो फिर पढ़ाई वगैरह, स्टडी वगैरह, नहीं फिर सो जाते। सो ये अभी चल रहा है मेरा डेली रूटीन में। और इसमें अभी एक चीज जो नहीं हो पा रही वो चीज है जिम। जिम मैं करूंगा, मेरी तरावी इंशाल्लाह आज मेरी तरावी ओवर हो जाएगी, मतलब 14 रमजान पे अपना हमारी तरावी जो है वो ओवर हो जाएगी, तो इंशाल्लाह आज से तो नहीं लेकिन कल से मैं अपना जिम जो है वो स्टार्ट करूंगा। सो ये रहा मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सो जो सेकंड क्वेश्चन क्या रहता अपना? क्वेश्चन है कि कितने साल से जिम कर रहे हो आप? सो ये तो मुझसे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आप कितने साल से जिम कर रहे हो। सो मैं आपको बता दूं, मैं अप्रॉक्स जो है वो 3 साल से मैं अप्रॉक्स जिम कर रहा हूँ। पहला तो स्टार्टिंग मेरी घर से हुई थी, पहला तो मैं रील्स वगैरह ही देखता तो लगता हाँ भाई इस तरह पर्सनालिटी मेरे को भी बनानी है, तो मैं इतना तो मेरे माइंड मेकअप नहीं था कि ये बॉडी जो है वो सप्लीमेंट या और भी कुछ चीज़ें से ही बनती है, लेकिन मेरा माइंड था कि चलो घर पे भी जिम करते तो शायद वो चीज़ें डेवलप हो सकती। तो मैंने अप्रॉक्स जो है वो 5-6 महीने जो है वो लॉकडाउन के अप्रॉक्स भी लॉकडाउन हमारा चल रहा था, तो मैंने मतलब 4-5 महीने तो घर पे ही किया, फिर इसके बाद 4-5 महीने बाद ही जो है मैं जब लॉकडाउन वगैरह ओवर हो चुका तब मैं जाके जिम स्टार्ट किया था, मतलब अप्रॉक्स कह सकते 3-3.5 साल मेरे को जिम करते हुए हो गए हैं। सो थर्ड क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है कि कौन सा सप्लीमेंट यूज करते हो? हाँ, सो अभी सप्लीमेंट जो मैं यूज कर रहा हूँ वो MB का यूज कर रहा हूँ, मतलब मसल ब्लेस का है, वो काफी इफेक्टिव है, सो काफी वो इफेक्टिव भी रहेगा, और मतलब मैं तो पर्सनली यूज कर ही रहा हूँ, अगर आप भी यूज करते हो तो MB का आप यूज कर सकते हो, जो कि मैं अप्रॉक्स जो है वो 1 साल से इसको यूज कर रहा हूँ। पहले मैं गेनर यूज करता था, तो गेनर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि उससे आपका वेट तो इंक्रीज हो जाता लेकिन फैट परसेंटेज ना इतना ज्यादा बढ़ जाता कि उसको कम करने में मतलब पूछो ही ना कितनी मेहनत लग जाती। तो मैं आपको अगर सजेस्ट करूंगा, तो अगर आप बिगनर हो तो मैं आपको बोलूंगा सप्लीमेंट से स्टार्ट करो, प्लस सप्लीमेंट भी और प्लस अपनी डाइट वगैरह प्रॉपर तरीके से रखोगे वो भी ज्यादा बेहतर रहेगी। सो थर्ड क्वेश्चन अपना क्या है?
आपका फैमिली बिजनेस क्या है? सो फैमिली बिजनेस तो मतलब मेरा तो अगर आप ओवरऑल देखोगे मिर्जा में तो सब लोग तो बिजनेस से रिलेटेड है, मतलब एक दो लोग को छोड़ के जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, मतलब मेरे चाचा लोग जो है वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, बाकी सब जो है वो बिजनेस से रिलेटेड है। बाकी पर्सनली मेरे पापा जो है, मतलब फादर, वो बाइक का शोरूम है जो कि हीरो का है, वो डीलरशिप है, और जो कि उनकी जो है 8-9 साल हो गए होंगे तो, और वो मतलब पापा जो है वो बाइक का उनका शोरूम है, और मेरा जो पर्सनली है वो ई रिक्शे का वो डीलरशिप है, मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आप नहीं जानते होंगे तो मैं प्रीवियस वीडियो में सारा सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हो। सो फोर क्वेश्चन क्या है अपना? फैमिली में कौन कौन है? हमारी फैमिली में आप बोल सकते हो, मैं तो भाई अकेला हूँ, मतलब मेरी 3 सिस्टर हैं जो कि मुझसे सारी एल्डर है, मतलब सारी बड़ी है, और मैं अकेला, और मम्मी और पापा, मतलब तो ओवरऑल 6 लोग की मेंबरशिप है अपनी। अपनी ड्रीम कार तो भाई मैंने तो स्टोरी डाला था कि थार के लिए तो कुछ थोड़ा इशू था, और मतलब कुछ प्लान किया था वो चीजें नहीं हो पाई थी, तो इसलिए वो चीजें थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह लेंगे, जरूर लेंगे। और अपनी ड्रीम कार मैं बता दूं वो है थार, अब इंशाल्लाह लेंगे ही लेंगे, थोड़ा लेट हो रहा लेकिन आएगी अपने पास। फ्यूचर प्लान क्या है आपके? फ्यूचर प्लान तो अभी शादी ही है और फ्यूचर प्लान तो देखो, तो अब ऐसा तो बोलोगे तो फ्यूचर प्लान तो शादी, लास्ट स्टेज तो शादी जाएगी, बाकी अगर ऐसा मतलब ऐसा अगर काम वगैरह से, काम पर्पज से देखोगे तो पहला तो अपना बिजनेस भी है, बाकी सोशल मीडिया भी एक्टिव वगैरह रह रहे हैं, बाकी अपनी मेहनत है, बाकी फ्यूचर क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा ये तो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूँ। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या रहेगा अपना? सो ड्रीम प्लेस तो मदीना भी है, हज करना इंशाल्लाह, उसको भी करना ही करना है। और आप रहते कहाँ? हाँ हम रहते कहाँ, ये भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, बाकी मेरे बायो सेक्शन में भी लिखा हुआ है मैं कहाँ पर रहता हूँ, तो मैं आपको बता दूं, मैं अभी यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में एक सुल्तानपुर सिटी आती, उस सिटी में मैं रहता हूँ, मतलब सुल्तानपुर में। बीबीए के बाद क्या करोगे? बीबीए के बाद अपना बीबीए के बाद बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हम करेंगे एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 2 साल का रहेगा। बीबीए मेरा अप्रॉक्स जो है वो कंप्लीट होने वाला है, फिर इसके बाद एमबीए स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आपकी शादी कब तक होगी? शादी तो अभी बहुत टाइम है, मतलब अभी अप्रॉक्स अभी 5-6 साल है मेरे को, पहला तो अपना एक अच्छे पोजीशन पे अपने लेवल को लेके आना है, मतलब एक ऐसे मतलब इस पोजीशन पे आए कि हाँ मैं अभी कैपेबल हो चुका हूँ शादी के लिए, बाकी उससे पहले तो अभी कुछ भी नहीं। YouTube कब से स्टार्ट किए थे आप? हाँ YouTube, हाँ मैं आपको पहला बता दूं कि मैं सबसे पहला जो है वो Instagram पे एक्टिव हुआ था, जो कि सबसे बड़ी मेरी डीमेरिट थी कि मैं YouTube को एकदम स्किप कर दिया था। मैं पहला अप्रॉक्स जो है मैं 2 साल पहले जो है वो मैंने Instagram से स्टार्ट किया था कि चलो Instagram पे अपना वीडियो वगैरह बनाते, तो उधर तो चलो सक्सेस अच्छी मिली, लेकिन मैंने जो है वो YouTube को एकदम नेगलेक्ट कर दिया, जो कि मेरी सबसे बड़ी डीमेरिट थी। तो भाई अगर मैं आपको बता दूं, मेरा 1 साल हुआ होगा अप्रॉक्स जो है वो YouTube स्टार्ट किया, जो भी रेगुलर बेसिस में वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो मैं अगर आप रेगुलर बेसिस पे देखोगे तो मैं 5-6 महीने हुआ होगा रेगुलर बेसिस पे अपडेट हुए हो, तो मैं यूट्यूब जो है वो 1 साल हुआ स्टार्ट किया, और इंस्टाग्राम जो है वो 2-2.5 साल हो गए। यूट्यूबर बनने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपको सिंपल टर्म में बोलूं, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। यूट्यूब में सोशल मीडिया में सारा पेशेंस का खेल है। अब इसमें अगर आप देखोगे जो नए यूजर हैं वो सोचते कि मैं 1-2 वीडियो डालूं और वायरल हो जाए, जो कि वो पॉसिबल है ही नहीं है। आपको सोशल मीडिया पे टाइम देना पड़ेगा, मेहनत देनी पड़ेगी, डेडिकेशन देना पड़ेगा, और एक पेशेंस रखना पड़ेगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं, लेकिन एक ना एक दिन वो चीज़ें होगी और सक्सेस मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए और मेहनत भी चाहिए। सोर्स ऑफ इनकम तो मल्टीपल है, सोर्स ऑफ इनकम तो मत पूछिए, बाकी बिजनेस भी है, बाकी सोशल मीडिया भी है, और कुछ कभी अगर शेयर मार्केट में कभी मूड वगैरह हुआ तब मैं इन्वेस्ट करता, लेकिन मेरा दो मेन सोर्स है, वो पहला बिजनेस, फिर इसके बाद सोशल मीडिया भी, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, बस यही 2 प्लेटफॉर्म पे मैं एक्टिव रहता हूँ। ट्वेल्थ का परसेंट बता दो। ये यार ये तो मत पूछना था यार।
ट्वेल्थ का मेरा परसेंटेज जो है वो तब भी बता देता हूँ, क्योंकि वो मेरा पास था, जो कि मेरा परसेंट था वो 72 था, और कॉमर्स साइड से मैं था, क्योंकि उतना ज़्यादा मेरे को पढ़ने का उतना इंटरेस्ट भी नहीं था, बस था कि रेयर केसेस में था कि हाँ चलो ठीक है अब एग्ज़ाम वगैरह आ रहा है तब इसकी प्रिपरेशन करते हैं। बाकी मेरा अगर आप देखोगे तो मेरा 72% था क्लास ट्वेल्थ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, पर्सनल कौन सी कार चलते हैं आप? हाँ पर्सनल तो मैं अभी विटारा ब्रेजर से ही चलता हूँ, बाकी मेरा तो ड्रीम था थार का, लेकिन वो चीज़ें तो अभी तो पॉसिबल नहीं हो पाई लेना, लेकिन इंशाल्लाह उसको लेंगे। लेकिन अभी जो मैं करंट में चलता हूँ वो मैं विटारा ब्रेजर से चलता हूँ। नेक्स्ट ट्रिप कहाँ का है? नेक्स्ट ट्रिप तो यार मनाली का सोच रहे हैं यार ईद बाद, लेकिन सोच वहाँ पर मनाली का जो है मेन तो उसमें बर्फ का ही सारा सब कुछ गेम होता, लेकिन अभी तो बर्फ पड़ेगी नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ नवंबर या दिसंबर में मनाली की ट्रिप का प्लान मैं कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं जाऊँगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्किन केयर रूटीन, तो अब ऐसे तो मैं क्या सोच रहा हूँ ना स्किन केयर रूटीन का मैं एक व्लॉग शूट करूँ एक प्रॉपर तरीके से। तो जो है अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दूँ, पहला तो मैं सीटाफिल का ऑब्जर यूज़ करता हूँ फेस वॉश करने के लिए, फिर इसके बाद मैं सीरम यूज़ करता, फिर इसके बाद मॉइस्चर यूज करता, बस इतना मेरे लिए इनफ रहता बस। अबे अम्मी से कभी मार खाए? अरे ये तो चीजें तो डेली होती रहती है, मार खाना तो रेगुलर बेसिस पे। हाँ पापा से नहीं, पापा से खाए होंगे लेकिन 5-6 साल हो गए होंगे, लेकिन ये अम्मी वाली तो रूटीन तो डेली क्या 2-3 दिन में, अगर कहीं कभी घर पे कहीं लेट पहुंचे या कहीं लेट कर दी आने में या कुछ ऐसी कोई चीज भी हो गई तो एक तो उनका पक्का हुआ, मतलब एक तो कंफर्म है, एक जानी है। YouTube इनकम क्या है आपकी महीने की? YouTube इनकम तो पहले तो मैं बता दूं अभी मेरा 1 महीना हुआ है चैनल मोनेटाइज हुए हुए, तो अभी मैं तो कंफर्म नहीं बोल सकता मेरी YouTube की इनकम कितनी आएगी, लेकिन ये है कि मैं फर्स्ट इनकम की YouTube वीडियो मैं शूट करूंगा, अभी तो नहीं लेकिन जब मैं मेरी पहली इनकम रिसीव होगी तो मैं इंशाल्लाह आपको उस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा। उम्मीद तो यही है कि भाई अच्छे खासे एक लेवल पे हो जाऊं और अच्छी खासी इनकम जनरेट करके कुछ अच्छा करूं अपने लाइफ में। तो अभी तो यही प्लान है कि अपनी मेहनत है, मेरा कहने का मतलब है अगर आप 18 से 25 की एज में अगर आप जितनी भी मेहनत करते हैं ना वो अपने लाइफ को आप अचीव करने के लिए करते हैं, मतलब अगर 18 से 25 की एज में आप जितनी भी मेहनत करोगे वो आपका जो फ्यूचर आने वाला है वो आपका डिसाइड करता। तो अभी मैं 20 एज का हूँ और मेरी मेहनत जो है वो स्टार्ट पे है, बाकी जो है सक्सेस इंशाल्लाह मिलेगी, बाकी मेहनत अपनी। स्टार्टिंग में वीडियो कौन से फोन से बनाना स्टार्ट किया? स्टार्टिंग में फोन से मैंने बनाना स्टार्ट किया था एंड्रॉइड था वो रियलमी 5 था जो कि स्टार्ट था, जो कि वीडियो उतनी क्लियर नहीं हो पाती थी, तो मैंने कुछ दिन पहले उससे शूट किया, फिर उसके बाद मैं पापा से बोल के मैंने आईफोन 11 स्टार्ट किया, फिर आईफोन 11 से मैंने प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? आप कमजोर हो कि नहीं? ना 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 ये सब चीजें तो नहीं होंगी, अभी कमिटेड और रिलेशनशिप का स्टेटस वगैरह ये सब चीजें से मैं बहुत दूर रहता, और पहला तो मेरा लाइफ का बस एक ही एम है कि मुझको एक अच्छे लेवल पे जाना है, जितनी भी मेहनत कर रहा हूँ मतलब एक ऐसे लेवल पे जाना ना कि एक हो कि आसिफ भी है इस चीज़ पे, तो इसलिए मैं इस सब चीज़ से अभी दूर हूँ और दूर रहना भी चाहता हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों में कुछ रखा नहीं, बस टाइम पास और माइंड को अपना डिस्टर्ब करना। मैं भी आपको सजेस्ट करता कि अगर आप अपने मेहनत कर रहे हो अपने करियर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मतलब फोकस की हो तो इस सब चीज़ से आपको थोड़ा नेगलेक्ट करना पड़ेगा। सो जो लास्ट क्वेश्चन है, आपका रोजा कैसा चल रहा है? हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रेयर केसेस में सब लोग ने पूछा, आप रोजा रहते हो आप रमजान में वीडियो क्यों नहीं शूट कर रहे हो और भी फला ढमाका बहुत सारे क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता दूं मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मतलब आज 14 रोजा है ना, और 14 के 14 रोजा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चल रहा है, रोजा रमजान और तराबी नमाज सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है, और मैं मतलब 16 साल से था तब से मेरा रोजा जो है वो अगर एग्जाम ना हो मतलब पहले जो होता था मतलब 16-17 साल के थे मतलब 3-4 साल पहले जैसे अपना एग्जाम वगैरह रहता तब मैं रोजा जो है वो स्किप करता था छोड़ता था, फिर उसके बाद जब से मतलब 17, 18, 19, 20 की एज पे आया हूँ तब से मेरा अल्हम्दुलिल्लाह
रोजा जो है वो प्रॉपर तरीके से होता है। सो अब वीडियो को अपने यहीं एंड करते हैं, और वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया होगा, ये मैं अपनी आईडी मेंशन कर रहा हूँ, इस पे जाओ फॉलो कर लो। फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में, तब तक के लिए सब बखैर।